विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले ऊर्जा निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों का धरना शनिवार को भी जारी रहा। विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे विद्युत कर्मियों और कर्मचारियों ने कहा कि पिछले वर्ष 3 दिसंबर को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के साथ कुछ बिंदुओं पर समझौता हुआ, जिन्हें पूरा करने के लिए 15 दिनों का समय मांगा गया था, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते वह प्रदर्शन कर रहे हैं। और यह धरना कल रात के 10 बजे तक, जैसा कि 72 घंटे का प्रस्तावित था, तब तक चलता है। हमारी कोई अपनी मांग नई मांग नहीं है। हमारा 3 दिसंबर 2022 को एक समझौता हुआ था माननीय ऊर्जा मंत्री के साथ, बस उसे लागू कराने की बात कर रहे हैं और हमारी कोई नई कोई मांग नहीं है। विद्युत कार्यालय सहायक संघ से हूँ मैं, और ये विद्युत कर्मचारी संयुक्त समिति के बैनर तले हमारे धरना से शुरू हो गया है। इसमें 3 दिसंबर 2022 को पहले हड़ताल हुई थी, उसमें माननीय ऊर्जा मंत्री जी और विशेष सचिव अवनीश कुमार अवस्थी जी के और 19 संगठन थे, उसमें सबके साइन हुए थे, लिखित समझौता हुआ था, उसी के क्रियान्वयन के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। गवर्नमेंट जो है मान नहीं रही है, हम उसे लागू कराने की मांग कर रहे हैं, और जब तक ये धरना हमारा गवर्नमेंट नहीं मानेगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। विद्युत कर्मियों की हड़ताल के चलते करोड़ों रुपए के राजस्व को हानि हुई है, साथ ही उपभोक्ताओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हापुड़ की मेरठ रोड पर स्थित आवास विकास कॉलोनी में अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर ऊर्जा निगम के कर्मचारी धरने पर हैं, जिस कारण 250 से ज्यादा नए कनेक्शन अटके हुए हैं, मीटर बदली के कार्य रुके हुए हैं, लाइन लॉस कम करने के लिए चेकिंग अभियान भी थमा हुआ है। इस दौरान संजय मौर्य, ईश्वर प्रसाद, यामिन खान, मनीष कुमार, अफरोज खान, आनंद मौर्य आदि उपस्थित रहे। वीडियो भी बना दो।